नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे वीडियोज में लेकर आते हैं खेती किसानी के साथ साथ बहुत सारी प्राकृतिक चीजों का बारे में जानकारी, तो आज ऐसे ही हम आपको लेकर आए हैं। एक ऐसी जानकारी आज देंगे जी हाँ, शक्कर गुड़ ये चीनी खान जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, तो आज एक जो गुड़ के बारे में हम जानकारी लेंगे कि गुड़ किस प्रकार बनता है। और हम आप खड़े हैं यहाँ गन्ने के खेत में, आप देख सकते हैं यहाँ गन्ना ये परिपक्व हो चुका है, एक साल का या कम से कम 10 महीने या 12 महीने का जब गन्ना हो जाता है उसके बाद इसकी कटाई कर इसका रस निकाल कर किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। आपने गुड़ तो खाया होगा पर किस प्रकार से बनता है शायद बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। तो प्राकृतिक एक चीज होती है गुड़, जो कि शक्कर हमारे सेहत के लिए बहुत सारी हानिकारक होती है। जैसे कि आपको पता है शक्कर से शुगर की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि बहुत सारा बढ़ जाता है। लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज है कि जहाँ शक्कर या मीठा खाने का आपको परहेज है ऐसी जगह आप गुड़ का सेवन नित्य कर सकते हैं और आपको कोई भी उससे दिक्कत नहीं हो पाती। तो हम आपको लेकर आए हैं यहाँ गुड़ किस प्रकार बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि रस पिलोने के लिए यहाँ अभी मशीन का यूज हो रहा है, क्योंकि अभी टेक्निकली किसान लोग थोड़ा सा ये करे हुए है डेवलप। तो यहाँ देख सकते हैं अभी इंजन के भरोसे या जनरेटर के भरोसे ये मशीन चलाया जाता है, जिससे कि गन्ने का रस पिलोया जाता है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं यह आगे का साइड, यहाँ से गन्ना डाला जाता है। और इधर आप देख सकते हैं ये एक टाकी यहाँ सीमेंट की बनी हुई परमानेंट, यहाँ की गन्ने का पूरा जूस, यहाँ देख सकते हैं पूरा जो गन्ने का रस है भरा हुआ एकत्रित होता है। और उस साइड आप पीछे साइड में देख सकते हैं कि वहाँ से जो गन्ने की खली होती है वह खली पूरी निकल जाती है, और खली को आप बाजू में देख सकते हैं इस प्रकार फैला कर सुखाया जाता है। और वो सुखाने का क्या पर्पज होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये टाके को एक जो PVC का पाइप लगा हुआ है, और इस पाइप के जरिए ये जो गन्ने का रस है पूरा इधर लगे हुए भट्टी पर जो कढ़ाई है उसमें जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में आगे तो पाइप द्वारा ये जो बड़ी बड़ी कढ़ाई यहाँ भट्टी पर रखी हुई है इनमें उसका गन्ने का जो पूरा रस है एकत्रित करा जाता है, उसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए रखा जाता है। यहाँ भट्टी की संरचना हम देख लेते हैं, थोड़ी सी देख सकते हैं 4.5 फीट के करीब ये भट्टी की यहाँ गहराई करी हुई है। अभी ये बहुत गर्मी है कढ़ाई उतारी गई है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं वो पाइप द्वारा कढ़ाइयों में गन्ने का रस डालकर फिर इसको अच्छी तरह उबाला जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो आपको बताया था कि इसको उबालने के लिए जो भी ऊर्जा लग रही है, जो जलाने का इनको जलाऊ लग रहा है, तो जो गन्ने की खली बाजू में सूख रही थी वही खली का उपयोग यहाँ जलाने के लिए करा जा रहा है। और आप देख सकते हैं अंदर थोड़ा सा दिखा दो क्लोजअप में कितने जबरदस्त वो खली जल रही है, और जिससे कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो गन्ने का रस है उसको उबाल आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ 1, 2, 3, 4 कढ़ाई है, काज काम चल रहा है और किस प्रकार ये खली से जलाकर उबाला और उठाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों हम बता दें, अब हमें दिक्कत ये आती है कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का फिर रस किस प्रकार उतारा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कुछ कढ़ाई को लगकर चैनल बने हुए हैं, लोहे के चैनल से यहाँ बिछाए गए आप देख सकते हैं दोनों साइड में, और जो कढ़ाई यहाँ है कढ़ाइयों में इस प्रकार के लोहे के व्हील बिताए गए हैं आगे और पीछे, इस साइड में दो और उस साइड में दो, इसके भरोसे कढ़ाई को खींच कर यहाँ से ले जाया जाता है इस टाके के पास, जहाँ की गुड़ का जो बाद में बोल देंगे ऐसा यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि गुड़ का जो रस उठा कर अब जो गुड़ बनने के लिए तैयार हुआ है जिसके कॉन्स्टिट्यूंसी जो बन गई है उसको इस टाके के पास ये कढ़ाई को खींच कर लेकर आए हैं, और जो कढ़ाई को पाइप लगा है उसी को सीधा खोल कर ये पूरा जो भी कंस्टिट्यूंसी रूम का है गन्ने का जूस का उसमें खाली कर दिया गया। Thank you.
चप्पल पहन के घूम रहा है भैया। अच्छा चलो।